नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में छात्रों के लिए स्कूल 22 तक रहेंगे बंद, शिक्षकों को आना होगा स्कूल। अब नहीं बिकेंगे चाय बागान, सरकार की इजाजत से लैंड ट्रांसफर का प्रावधान लिया जाएगा वापस। एचपीयू में पंगा, चले लात घूंसे। एसएफआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, छात्रा पर कमेंट कसने से बड़ी बात। ये जंगली मशरूम नहीं जहर है, बरसात के चलते वनों में उग रही उत्पाद की 12 प्रजातियां जान की दुश्मन। शराब पी तो बीपीएल से बाहर, हमीरपुर की भगेटू पंचायत ने नशे के खिलाफ शुरू की नई पहल। सरकार ने सभी राज्यों को दिए निर्देश, प्लास्टिक से बने तिरंगे के इस्तेमाल पर लगाए रोक। महासचिव की मेज पर विपक्ष कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा, काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रिज पर देशभक्ति के तराने भरेंगे जोश, विपक्ष का सदन से 2 बार वॉकआउट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में छात्रों के लिए स्कूल 22 तक रहेंगे बंद, शिक्षकों को आना होगा स्कूल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 22 अगस्त तक छात्रों के लिए छुट्टियां रहेंगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एक बार फिर से 50% क्षमता के साथ चलेगा। बाहरी राज्य से आवाजाही को लेकर एंट्री पर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 13 अगस्त से राज्य के भीतर आने के लिए हर व्यक्ति को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 11 से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि शिक्षकों को स्कूल में आना अनिवार्य होगा। अब नहीं बिकेंगे चाय बागान, सरकार की इजाजत से लैंड ट्रांसफर का प्रावधान लिया जाएगा वापस। हिमाचल प्रदेश में लैंड सेलिंग एक्ट का और सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार की इजाजत से चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की अनुमति अब नहीं मिलेगी। सरकार को ऐसी शक्तियां थी जिसके लिए पूर्व में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें विशेष परिस्थितियों व विशेष मामलों में सरकार चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दे सकती थी, मगर इन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा था। जिस प्रायोजन के लिए चाय बागान की लैंड को ट्रांसफर किया जा रहा था, उसका दुरुपयोग करके कुछ और ही किया जा रहा था। ऐसे में अब सरकार ने इस प्रावधान को बंद करने का निर्णय लिया है। एचपीयू में पंगा, चले लात घूंसे। एसएफआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, छात्रा पर कमेंट कसने से बड़ी बात। प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर से मंगलवार को छात्र संगठनों में सरेआम लात घूंसे चले। हैरानी इस बात की है कि एसएफआई व एबीवीपी की लड़ाई उस वक्त हुई जब विश्वविद्यालय में पीजी के लिए एंट्रेंस परीक्षाएं चल रही है। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने एसएफआई की छात्रा पर अभद्र कमेंट किए। इस पर जब छात्रा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को समझाती है तो जोर जोर से बहस होने लगती है। इस बीच दोनों संगठनों के छात्र नेता वहां आ जाते हैं और विवाद बढ़ जाता है। देखते ही देखते परिसर में एक दूसरे पर बरसने लगे। हर बार की तरह इस बार भी दोनों संगठनों ने अपने बचाव में एक दूसरे पर आरोप लगाए। ये जंगली मशरूम नहीं जहर है, बरसात के चलते वनों में उग रही उत्पाद की 12 प्रजातियां जान की दुश्मन। प्रदेश के जंगलों में बरसात के समय 1000 से भी अधिक मशरूम की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाती हैं। इनमें से 12 प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनका सेवन यदि इंसान कर ले तो उसकी मौत हो सकती है। इनमें सबसे प्रमुख एमेनिटा है, जो की सबसे अधिक वैशाली मशरूम में शामिल है। ये करीब पूरे प्रदेश के जंगलों में आसानी से मिल जाती है। ये बहुत जानलेवा मशरूम की प्रजाति है, जो कि देखने में सामान्य ही दिखती है, लेकिन इसका सेवन करना मनुष्य को भारी पड़ सकता है। शराब पी तो बीपीएल से बाहर, हमीरपुर की भगेटू पंचायत ने नशे के खिलाफ शुरू की नई पहल। नशे के खिलाफ सरकारें ऊपरी स्तर पर वर्षों से प्रयास करती आ रही है, लेकिन परिणाम उतने सकारात्मक नहीं दिखते जितने होने चाहिए। ऐसे में अब पंचायतें अपने स्तर पर नशे के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के भगेटू पंचायत ने नशे के खिलाफ ग्राम सभा की बैठक में एक दिलचस्प फरमान जारी कर दिया है। पंचायत के ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि बीपीएल का कोई भी सदस्य अगर शराब के नशे में पकड़ा गया तो उसका नाम बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायत के सार्वजनिक स्थलों और जंगलों में शराब पीते पकड़े जाने पर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति पंचायत का माहौल खराब ना कर सके। बता दें कि भगेटू पंचायत का इन चुनावों में पहली बार गठन हुआ है। नव नियुक्त प्रधान ने कार्यभार संभालते ही फैसला लिया था कि उन्हें जो भी वेतन मिलेगा उसे गरीबों में बांट दिया जाएगा। भगेटू पंचायत की पहली ग्राम सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। ग्राम सभा में नशे को लेकर कड़े फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने सभी राज्यों को दिए निर्देश, प्लास्टिक से बने तिरंगे के इस्तेमाल पर लगाए रोक। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ एक निर्देश दिया है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि आप सब ये सुनिश्चित करें कि लोग प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल ना करें। दरअसल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग तिरंगा झंडा खरीदते हैं और रैलियों से लेकर घरों तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाजारों में प्लास्टिक के झंडों की बिक्री भी होती है। ऐसे में सरकार ने इस पर रोक लगाने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि प्लास्टिक के झंडों के इस्तेमाल से इनके उचित निपटान करने में व्यवहारिक दिक्कतें पैदा होती है। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल ना हो। महासचिव की मेज पर विपक्ष कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा, काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा में एक हैरतअंगेज घटनाक्रम में महासचिव की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद 4 बजे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 3 बार के स्थगन के बाद 4 बजे पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता ने कार्यवाही शुरू करते हुए सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। रिज पर देशभक्ति के तराने भरेंगे जोश, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में लोगों में देश प्रेम का भाव जागृत करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 4 दिन तक रिज पर बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मंगलवार को पुलिस महानिर्देशक संजय कुंडू ने किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हम आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोगों में इसके माध्यम से देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 5:30 से 6 बजे तक पुलिस बैंड दल द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों में भी राष्ट्रीयता का भाव देश प्रेम के गीतों के साथ जागृत किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, पुलिस महानिर्देशक संजय कुंडू तथा इंस्पेक्टर जनरल साउथ रेंज हिमांशु मिश्रा को सम्मानित भी किया। विपक्ष का सदन से 2 बार वॉकआउट, विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन भी माहौल गरमाया और दोनों पक्षों में जबरदस्त नारेबाजी के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इसके चलते मंगलवार को एक ही दिन में विपक्ष ने 2 बार सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी कांग्रेस का आरोप था कि जो मुद्दे कोरोना संकट को लेकर उनके तरफ से सदन में नियम 130 के तहत हुई चर्चा के दौरान उठाए गए, उनका जवाब स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे। इससे नाराज विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठे और नारेबाजी करने लगे और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।